उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद की एसटीएफ और पचोकरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मुखबिर की सूचना पर एसटीएफ और पचोकरा पुलिस ने घेराबंदी कर एटा रोड के असन रोड पर ठगी करने वाले चार लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से एक बाइक और बड़ी मात्रा में मनोरंजन बैंक वाले नकली नोटों की गड्डियां और कुछ असली नोट बरामद किए हैं। एसपी सिटी ने आज मामले का खुलासा करते हुए पकड़े गए सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। मामला फिरोजाबाद का है, जहां पुलिस की गिरफ्त में आए ये चार लोग ठग हैं, जो आम जन को असली नोटों के बदले नकली नोट अधिक मात्रा में देकर ठगी करते हैं। पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली कि चार लोग एटा रोड से असर रोड पर ठगी करने की फिराक में खड़े हैं। सूचना मिलते ही फिरोजाबाद की एसटीएफ और पचोकरा पुलिस ने घेराबंदी कर चारों व्यक्तियों को पकड़ लिया, जिसमें मुकेश उर्फ जैनी, पप्पू विकास और आजाद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इनके पास से एक बाइक और मनोरंजन बैंक के 12,37,790 रुपए और 1700 असली नोट बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार यह गैंग पिछले 10 वर्षों से लोगों को नकली नोट देकर असली नोटों की ठगी करने का कार्य कर रहा था, जिन्हें पुलिस ने इनके संसाधनों के साथ गिरफ्तार किया है। आज एसपी सिटी फिरोजाबाद मुकेश चंद्र मिश्रा ने मामले का खुलासा करते हुए पकड़े गए सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। फिरोजाबाद से सौरा सिंह जिला संवाददाता की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। थाना पचोखरा में एक गैंग पकड़ा गया है, जिस गैंग का सरगना है मुकेश उर्फ जैनी। इसमें कुल चार सदस्य हैं और इस गैंग का मुख्य अपराध ये चिल्ड्रन बैंक, जो बच्चों के गेम में यूज होने वाली करेंसी है, उस करेंसी की गड्डी बना के उसके ऊपर असली नोट लगा के इसके बदले में ये असली नोट का एक्सचेंज करते थे और इस तरीके से ये ठगी का शिकार करते थे लोगों को। इस गैंग को इसके पूरे ठगी करने वाले पूरे संसाधनों के साथ आज पर्याप्त सबूतों के साथ जेल भेजा जा रहा है। इनके साथ एक मोटरसाइकिल भी रिकवर हुई है और 12,37,790 रुपए के ये जो नकली नोट हैं, जो कि गेम्स में यूज होते हैं ये नोट, और असली 1730 रुपए कुल असली नोट इसमें बरामद हुए हैं। इनको आज पर्याप्त सबूतों के साथ न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाए।